हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। डेली की तरह हम इस चैनल पे इस सेशन में द हिंदू ट्यूटोरियल के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। हर एक वर्ड के आपको साइनोनिम इंक्लूड होगा और उसका हिंदी मीनिंग भी होगा, और कुछ एडिटोरियल से एडिटोरियल में यूज किए गए इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस भी, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। सभी एग्जाम में वर्ड के साइनोनिम्स और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछा जाता है, तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपको इससे एंटोनिम्स भी सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को जरूर ज्वाइन करें। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक SSC, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS, CDS, NDA, एयरफोर्स नेवी, या फिर बैंकिंग के भी तैयारी कर रहे हो, तो इसमें यह इंक्लूड है। सारे वर्ड मीनिंग्स और इंग्लिश के सेक्शन के लिए काफी बेहतरीन वीडियो है। तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर हमारे वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मंथली पीडीएफ भी मिलेगी और डेली का पीडीएफ ये होगा जो आप देख रहे हैं, इस फॉर्मेट में डेली का पीडीएफ होगा। और मंथली पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ और वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट वर्ड से सारे वर्ड मीनिंग को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है जो एडिटोरियल में ही यूज किया गया था, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि कोई एक यह स्क्वायर है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर दिए, इस ये स्क्वायर को सर्कल में, यानी कि इसका क्या कर दिया हम, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए। सब स्थिति वही है लेकिन बस उसका रूप चेंज कर दिए, तो एक से अन्य रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। तो इसके साइनोनिम्स देखें तो कंजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि COVID-19, अभी जो इपिडेमिक पैंडेमिक महामारी की वजह से COVID-19 से पूरी दुनिया त्रस्त है, इसका भी वेरिएंट बदल रहा था। जैसे कि कोरोना का आप नाम सुन रहे हैं, कभी डेल्टा वेरिएंट तो कभी क्या, तो कभी अलग अलग प्रकार से यह चेंज होते रह रहा था, तो उसी को कहते हैं ट्रांजिशन, यानी कि बदलाव, एक एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना। दूसरा वर्ड है डिसार्म। डिसार्म यानी कि निहत्था कर देना, किसी भी व्यक्ति को निहत्था कर देना, यानी कि उससे हथियार को वापस छीन लेना, कहलाता है डिसआर्म। साइनोनिम इसका देखे तो डिफ्यूज, डीएक्टिव, डिसेबल, यानी कि उसे निरस्त कर देना, निरस्त कर देना किसी को उसके हथियार को छीन के, तो यह कहलाता है डिसआर्म। थर्ड वर्ड है टॉपल। टॉपल यानी अस्थिर होकर लुढ़क जाना, यानी कि जैसे अस्थिर होकर कोई व्यक्ति एक स्थिर है, स्टेबल पोजीशन में है, लेकिन कुछ वाइब्रेशन के वजह से वह अस्थिर हो जाता है और लुढ़क के गिर जाता है, उसे कहते हैं टॉपल। और इसका साइनोनिम देखें तो फॉल, ओवरटर्न, टम्बल, ड्रॉप, यानी ड्रॉप यानी कि गिरना, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉन्सिलेशन, या SSC में पूछा हुआ वर्ड है, प्रीवियस ईयर का वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। रिकॉन्सिलेशन यानी कि सामंजस्य स्थापित करना या फिर समन्वय बैठाना एक दूसरे व्यक्ति से, जैसे कि किसी बात पे दो लोगों का विवाद हो, क्या हो, डिस्प्यूट हो, और इस डिस्प्यूट को, डिस्प्यूट से हट के इन लोग फिर से एकजुट हो रहे हो, यानी कि सामंजस्य एक दूसरे के बीच एग्रीमेंट को बढ़ा रहे हो, तो उसी को कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। साइनोनिम्स देखे तो इसको रीयूनिटिंग, रिसोल्यूशन, एमिटी, ये इसके साइनोनिम है। रीयूनिटिंग बना है यूनिट से, यूनिट पहले थे लेकिन बाद में टूट के और फिर से रीयूनिट हुए, यानी कि रिकॉन्सिलेशन, बाद में सामंजस्य को स्थापित कर लिए, तो ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर बैलेंस, यानी कि काउंटर बैलेंस, न्यूट्रलाइज और कैंसिल बाय एग्जिस्टिंग एंड अपोजिट इन्फ्लुएंस। न्यूट्रलाइज कर देना या फिर उसे निरस्त कर देना, इसका भी मतलब होता है निरस्त कर देना, उसे न्यूट्रलाइज कर देना। जैसे काउंटर बैलेंस वर्ड है, जो काउंटर वेट जो वर्ड है, या काउंटर बैलेंस के लिए ही एक वर्ड यूज किया जाता है, इसका अलग से फॉर्म नहीं होता है, और इसका मतलब होता है किसी के प्रभाव को निरस्त कर देना। किस वजह से, जैसे कि कोई एक इधर से शक्ति आ रही है, कोई इधर से कोई अटैक हो रहा है, और कोई इधर से भी सेम अटैक कर दिया, तो यह क्या हो जाएगा, फाइट निरस्त हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, प्रोपिंग, यानी कि सहारा देना एक दूसरे, जैसे कोई चीज गिर रहा हो तो उसको टेक लगा देना, यानी कि उससे सहारा दे देना, कोई चीज गिर रहा हो अपने जगह से उसे टेक दे देना, सहारा देना कहलाता है प्रोपिंग।
साइनोनिम देखे तो इसके होल्ड अप, सपोर्ट, अंडरपिन, ये इसके साइनोनिम्स है प्रॉपिंग के। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर, टेक ओवर, यह फ्रेज है, इसका यूज किया जाता है जैसे कि किसी की पावर या फिर कंट्रोल को अपने हाथ में लेने के लिए। टेक ओवर इट मीन्स एज्यूम कंट्रोल और टेक चार्ज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का चार्ज, जैसे कि अभी अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान तालिबान हमला करके इसका चार्ज अपने हाथ में ले लिया, क्या कर लिया है, टेक ओवर, यानी कि अपने हाथ में ले लिया, अब अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में। तालिबान वहां का एक आतंकवादी संगठन है, कट्टर संगठन है। नेक्स्ट है 9 नंबर, स्टेबल। स्टेबल यानी क्या होता है, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, स्थिर यानी कि एकदम बिल्कुल शांत रूप में स्थिर रहना। तो साइनोनिम देखे तो इसका फॉर्म, सॉलिड, स्टेडी, फिक्स, यानी कि जो चीज फिक्स हो, जिसमें वाइब्रेशन वाइब्रेशन ना हो पाए, तो उसे कहते हैं स्टेबल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर। सीज फायर, इस वर्ड को आप जानते हैं, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम या फिर लड़ाई बंदी। जैसे आप हमेशा सुनते होंगे जम्मू कश्मीर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती है, तो न्यूज़ में आते रहता है कि अब वहाँ पे क्या हो गया है, सीज फायर हो गया है, यानी कि जो गोली बंदूक चल रही है वो बंद हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, जो लड़ाइयाँ वहाँ पे चल रही थी थोड़े समय के लिए या फिर कुछ एक लंबे समय के लिए यह बंद हो जाता है, तो उसी को कहते हैं सीज फायर। फायर यानी जानते हैं आप, फायर यानी कि गोली चलाना या फिर मतलब हमला करना के लिए यूज किया जाता है, और सीज यानी कि बंद कर देना, तो इसी को इसके आगे लगा देते हैं सीज फायर, इसको बंद कर देना। इसके साइनोनिम देखें तो पीस, ट्रूस, आर्मिस्टिक, यानी कि आर्मिस्टिक यानी हथियार बंदी होता है, और ट्रूस यानी कि शांति होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रूस, यह कई बार पूछा गया है SSC में। ट्रूस का मतलब होता है शांति बनाए रखना, पीस बनाए रखना। नेक्स्ट है 10 नंबर, ब्रिंग टूगेदर। ब्रिंग टूगेदर का मतलब होता है टू कॉज पीपुल टू ज्वाइन और मीट, टू कॉज पीपुल टू ज्वाइन और मीट, माने कि वैसा कारण बनना जिसके वजह से लोग एक जगह पे जुड़े एक दूसरे से, पीपुल ज्वाइन और मीट, एक एक दूसरे से जुड़े या फिर एक दूसरे से मिले, तो उसे ब्रिंग टूगेदर फ्रेज से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, ज्वाइन हैंड्स, यह भी एक फ्रेज है और इम्पोर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब होता है वर्क टूगेदर टू होल्ड ईच अदर्स हैंड, ज्वाइंट हैंड, यानी कि एक दूसरे का सहारा देना, एक दूसरे का सहारा बनना, ज्वाइंट हैंड्स, इस फ्रेज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। एक दूसरे का सहारा बनना यानी कि वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना, टू होल्ड ईच अदर हैंड्स, यानी कि एक साथ मिलके एक साथ काम करना। नेक्स्ट जो वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी क्या होता है, संघर्ष या फिर विवाद। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या विवाद, जैसे दो लोगों के बीच में यदि सामंजस्य नहीं बैठ रहा हो, बातचीत नहीं हो पा रही हो किसी भी झगड़े लड़ाई की वजह से, तो उसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और साइनोनिम देखे तो डिस्प्यूट यानी कि विवाद होता है, क्वारल यानी कि झगड़ा, स्क्वेबल यानी कि झगड़ा, ये सब इसके साइनोनिम्स है कॉन्फ्लिक्ट के, और यह SSC में लगभग 10 बार से अधिक पूछा गया होगा यह वर्ड, ऐसा वर्ड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड है इन्वेजन। इन्वेजन यानी कि देश पर आक्रमण करना, सेना का आक्रमण करना, जैसे किसी भी देश पे किसी सेना का आक्रमण हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम इन्वेजन वर्ड से यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है यह भी SSC में पूछा हुआ ही वर्ड है, और इसके साइनोनिम देखे तो इन्फ्रिंजमेंट, कैप्चर, सीज, यानी कि कब्जे में लेना, सेना का हमला करके उसे कब्जे में ले लेना, क्या कहलाता है, वो कहलाता है इन्वेजन। और नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर, डेजिग्नेट यानी कि नामित करना। नामित करना का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में आप सभी जानते होंगे, नीति आयोग, इसका जो CEO है वो कौन है, अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत, तो नीति आयोग के चेयरमैन को, चेयरमैन अमिताभ कांत को क्या किया गया, डेजिग्नेट किया गया यानी कि नामित किया गया, इसके चेयरमैन के लिए, चेयरमैनशिप के लिए नामित किया गया किसको, अमिताभ कांत को, तो इसी को उसके पद पे बैठाना ही कहलाता है डेजिग्नेट। साइनोनिम देखे तो अपॉइंट, नॉमिनेट, डिप्यूट, ये इसके साइनोनिम्स है। अपॉइंट तो काफी इजी वर्ड है, यानी कि किसी को किसी के पद पे आसीन करना। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर, चेओस, इट मीन्स कि अव्यस्तता, जो कि एक लाइन में नहीं हो, जैसे कि एक हो गया या अरेंजमेंट में, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसे इसे समझेंगे तो यह क्या है, अरेंजमेंट में है, लेकिन यह क्या है, यह डिसअरेंजमेंट है, कोई ऊपर नीचे ऐसे वैसे, यानी कि डिसअरेंज हो उसमें अरेंजमेंट
नहीं हो तो उसे कहते हैं अव्यस्तता। साइनोनिम्स इसके देखे तो डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक एक किसी भी क्रम में नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है रिजेनरेट, सॉरी रिनिगेट। रिनिगेट यानी कहलाता है ए पर्सन हु डिजर्व्स एंड बेट्रायर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। जैसे कि कोई वह व्यक्ति जो कि एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को या फिर देश को छोड़ के भाग जाता है कि उसी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि बहुत सारे भगौड़े हुए हैं, भगौड़े इंडिया में जो कि भाग भाग के गए हैं। एक जो था वो किंगफिशर का नाम नहीं याद आ रहा है, किंगफिशर का था जो, वो भाग गया यहाँ से अपनी कंपनी को छोड़कर, क्योंकि वो लिया था बहुत सारा पैसा, कर्ज लिया था, और इसके वजह से तो उसी को कहते हैं ए पर्सन हु डिजर्व्स एंड बेट्रायर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कंट्री को छोड़ के भाग जाता है उसी को कहते हैं रिनिगेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फॉर इंस्टेंस, यह फ्रेज है और हमेशा यूज किया जाता है, इसको मैंने बहुत बार बताया है। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है एज एन एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, जैसे कहीं एग्जाम्पल के जगह पे हम फॉर इंस्टेंस का यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देना होता है। और नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर फाइट ऑफ, यह भी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब है डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट एन अटैक बाई समवन, यानी कि खुद को किसी के हमले से डिफेंड करना, यानी कि खुद को बचाना, हमले से दूसरे और खुद को बचाना, डिफेंड करना कहलाता है फाइट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है 19 नंबर इंटीग्रेट, यानी कि एकीकृत करना, एक साथ मिलना, मिलना मिलके एक यूनिट बनाना। जैसे आजादी से पहले, इंडिपेंडेंट, जब इंडिया 1947 से पहले जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था, तो लोगों ने एक साथ मिल के क्या बोलते हैं, अंग्रेजी सेना के खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ एकीकृत हुए, क्या हुए, इंटीग्रेट हुए। क्यों? उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि अकेले अकेले लड़ना मुश्किल था, तो उसी को कहते हैं इंटीग्रेट। साइनोनिम्स देखे तो इसका कंबाइन, अमेलगमेट, मर्ज, ये सब इसके साइनोनिम्स है इंटीग्रेट के। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर अटेम्प्ट, इसका मतलब होता है प्रयत्न करना या फिर कोशिश करना कोई चीज पाने के लिए। जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर बैंकिंग का ही प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो इसके एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या करता है, स्टेप अटेम्प्ट देता है। यानी कि जब अटेम्प्ट ही नहीं देगा तो फिर वो उसको क्रैक क्या कर पाएगा, यानी कि प्रयत्न करना या फिर कोशिश करना कहलाता है अटेम्प्ट। साइनोनिम्स देखे तो ट्राई, इंडेवर, वेंचर, ये इसके साइनोनिम्स है, और यह वर्ड एसएससी में तो कहें हजारों बार पूछा गया होगा, यानी बहुतों बार पूछा गया है, कहने का मतलब ये है। तो ये था वर्ड।